सांप देखे हो? कैट है? दूर है। कैसा था? काला काला दोनों काला काला। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुड्डू मोरा सरपित्र पर। और आज का रस्की कॉल हमें आजमगढ़ जिले के पकड़ी डुभाव गांव से है। हम लोग मौके पर आ चुके हैं, चलिए चल के देखते कहां पे और कौन सा सांप है, उसका सुरक्षित रेस्क्यू करते हैं। अरे बाबा क्या कर रहे हैं यार, सबके ऊपर मट्टी फेंक रहे हैं। अय्या जी कौन आजा खेला मत बड़ा ताई खोदा यहां से खोदिए अच्छा अच्छा याद अच्छा करता हूं पता ना दिख रहा है क्या। और जो सांप था वो यहीं पर बिल के नीचे चला गया। यहाँ पर एक पुराना घर गिराया जा रहा था जिसमें एक या दो सांप दिखा गया, ये क्लियर नहीं है। बच्चे बता रहे हैं दो, लेकिन जो यहाँ के बुजुर्ग लोग हैं वो लोग बता रहे हैं कि एक ही है, उन्होंने एक ही सांप को दो बार देखा है। तो अभी हम लोग रेस्क्यू करके देखेंगे एक है या फिर दो है। और सांपों को रेस्क्यू करने के लिए हमें सुरक्षित ढंग से मट्टी को निकालना पड़ेगा ताकि सांप को कोई भी चोट ना पहुंचे। अरे भाई, भैया हल्ला मत कराओ। अरे यार, कई बार सांपों का रेस्क्यू काफी आसानी से काफी सरलतापूर्वक हो जाता है, लेकिन कई बार हमें काफी ज्यादा वक्त लगता है, काफी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। और आज का जो रेस्क्यू है वो काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक पुराना घर गिराया गया और नए घर का निर्माण हो रहा है। और आपको पता है जब भी मिट्टी की दीवार गिराई जाती है तो बड़े बड़े टुकड़ों में होती है, जिससे कि सांप को छुपने के लिए एक प्रॉपर स्पेस मिल जाता है। ऊपर से इस गाँव के लोगों की भीड़ भी हमारी मुश्किलें बढ़ा रही है। लेकिन अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, सांप ऐसी चीज ही होती है कि लोग इसको देख करके काफी ज्यादा रोमांचित हो जाते हैं और देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। जितने भी लोगों को पता चलता है, हम लोग सिर्फ लोगों को समझा सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो कोऑपरेट करें, भीड़ को थोड़ा कम करें। लेकिन अभी बच्चे ही हैं, ये भीड़ लगाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड है सांप को देखने के लिए, और ऐसे में लोगों को बात समझ में नहीं आती है। लेकिन आप लोग जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी ये गुजारिश है कि अगर आपके गांव में या फिर आपके घर पे कोई इस तरह से रेस्क्यू करने आए तो आप प्लीज़ उनको कोऑपरेट करें, ज़्यादा भीड़ भाड़ ना लगाएं और जितना हो सके उनका सहयोग करें। अरे दूरी बना रे, अबे मन कोई नहीं भागे मत, आजा साले भागे के जगह अरे क्या करे यार भाई। और यहाँ पर जो सांप है वो हमें थोड़ा सा दिखा है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यहाँ पर बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़े होने की वजह से सांप को अंदर छुपने के लिए जगह मिल गई और सांप जो है वो अंदर की तरफ भाग गया। लेकिन हम लोग सब्र के साथ इसका रेस्क्यू करेंगे, हम लोग कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे ताकि सांप पूरी तरह से सुरक्षित रहे। और हम लोग धीरे धीरे करके सांप को सुरक्षित ढंग से बाहर निकाल लेंगे और यहाँ से ले जाने के बाद इसको इसके अनुकूलित वातावरण में रिलीज किया जाएगा। पहले इसको रेस्क्यू कर लीजिए जो ऊपर है, यहाँ पे हम नीचे है, ना वही मट्टी थोड़ा सा वही नीचे उसके नीचे
और यहाँ पर हमें सांप दो दो बार दिख चुका है, लेकिन एक भी बार पकड़ में नहीं आया। और यहाँ पर इस स्थान पर एक ही सांप है, एक ही सांप अलग अलग जगह पर दिखाई दे रहा है, जिससे कि लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पर दो सांप है। हमें भी सांप अलग अलग जगहों पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि नीचे का जो स्थान है, नीचे का जो जगह है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो सांप उसमें आसानी से इधर से उधर हो पा रहा है। लेकिन अभी सांप दिख गया तो उसको सुरक्षित ढंग से रेस्क्यू करना ही पड़ेगा। तो जब तक कि सांप नहीं मिलता, हम लोग मिट्टी को धीरे धीरे सुरक्षित ढंग से खोदते हैं और सांप को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। हट जाओ, अब जो सांप है वो एक ही स्थान पर बार बार दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ यह है कि सांप को अब छुपने और भागने के लिए स्थान नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब जल्द ही सांप को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन फिर भी मिट्टी है इसके नीचे काफी जगह, इसका कुछ कह नहीं सकते। अभी देखिए, हम लोग मिट्टी को धीरे धीरे करके निकालते हैं और देखते हैं सांप को पकड़ने का प्रयास करते हैं ये पकड़ा जाता है या फिर अभी थोड़ा और वक्त लगता है। अगर वक्त लगेगा तो हम लोग पूरा वक्त देंगे, हम लोग जल्दबाजी किसी भी सूरत में नहीं करेंगे। हमारा हमेशा से ये लक्ष्य रहता है कि रेस्क्यू के दरमियान सांप भी पूरी तरह से सुरक्षित रहे और हम लोग भी पूरी तरह से सुरक्षित रहें। वैसे ये क्लियर हो गया कि इसके अंदर कौन सा सांप है। इसके अंदर इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा यानी कि भारतीय नाग है, जिसे हम लोग नाग या नागिन कहते हैं। अगर मेल होगा तो नाग कहेंगे, फीमेल रहेगा तो नागिन कहेंगे। इसे भारत के अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं पर इसे फिटार कहा जाता है, कहीं पर गेहुअन, और कहीं कहीं खरीस भी कहा जाता है। मुख्यतः यह नाम नाग ज़्यादा इसका प्रचलित है। और आप लोग देख सकते हैं अभी जो सांप है वो दिखने लगा है और ये थोड़ा थोड़ा करके बाहर भी निकल रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इसको बिल्कुल भी जगह नहीं मिल रहा है। ऐसे में इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है कि हम लोग इसके साथ छेड़छाड़ करें, और ये गुस्से में आ गया है। और गुस्से में आकर कि ये काटने का भी, बाइट करने का भी प्रयास करता है। ऐसे में हमें पूरी तरह से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। और यहाँ पर जो सांप है उसके शरीर का लगभग लगभग आधा हिस्सा बाहर निकल चुका है, और ये एक नाग ही है, भारतीय नाग यानी कि इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। और ये काफी गुस्से में दिखाई दे रहा है, और आप लोग देख सकते हैं इसका जो हुड है वो काफी ज्यादा बड़ा है, अगर हम लोग हुड की बात करें तो। और ये बिल्कुल गुस्से में है, इसको बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है, इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है कि इसको इसके घर में से बाहर निकाला जा रहा है। ये जो मिट्टी की दीवार थी, कहीं ना कहीं इसका घर ही था, जिसको हम इंसानों ने तोड़ दिया है, और अभी इसको हम लोग इसके घर से बाहर भी निकाल रहे हैं। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, हमारी मजबूरी है। अगर हम लोग इसको यहाँ से निकाल करके ले जाकर रेस्क्यू नहीं करेंगे तो यहाँ के लोग अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए इसकी जान भी ले सकते हैं। और कहीं ना कहीं इसका जिंदा रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार को ये अपने लिए दूसरा घर बना लेगा, अपने लिए दूसरा घर ढूंढ लेगा, लेकिन अगर लोग इसको मार देंगे तो फिर ये जिंदा नहीं हो पाएगा। और हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे हित के लिए इसका जिंदा रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस पर्यावरण में हर एक जीव का एक अहम रोल है और उनका समान अधिकार भी है। तो अभी हम लोग सांप को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। और आप लोग देख सकते हैं जो सांप है वो बाइट कर रहा है। आप देख सकते हैं सांप ने अपना पूरा दांत गड़ा दिया है सू के अंदर, और इसने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वेनम इंजेक्ट किया। आप लोग देख सकते हैं इसने काफ़ी ज़्यादा वेनम इंजेक्ट किया। सर्दी के मौसम में वैसे तो सांप वेनम इंजेक्ट नहीं करते, लेकिन इसको छेड़छाड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और ये गुस्से में आ गया, और पहले से इसका काटने का मूड दिखाई दे रहा था, और आखिर में इसने काट ही लिया। इतना वेनम अगर किसी इंसान के बॉडी में डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाए तो उसकी तुरंत मौत हो जाएगी, अगर इलाज न करवाया जाए तो।
वैसे इतना वेनम कम से कम 5 से 10 इंसानों की जान लेने के लिए पर्याप्त होगा अगर उन्हें थोड़ा थोड़ा अमाउंट में ये वेनम दिया जाएगा और उनका इलाज नहीं करवाया जाएगा तब। अतः आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी किसी को स्नेक बाइट हो यानी कि सर्पदंश हो तो आप लोग बिना वक्त गवाए सबसे नजदीकी सर्पदंश के अस्पताल में जाएं और उचित ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि सर्पदंश के बाद आपकी जान सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बचा पाएगा, ना कि कोई झाड़ फूक और तंत्र मंत्र। फिलहाल हम लोग बिना वक्त गवाए सांप को बैग में पैक कर लेंगे और यहाँ से ले जाकर के इसके अनुकूलित वातावरण में रिलीज कर दिया जाएगा। एक और बात, जिस तरह से हम लोग सांपों को रेस्क्यू करते हैं या फिर जिस तरह से हम लोग सांपों को ट्रीट करते हैं, आप लोग कभी भी ऐसा करने का प्रयास बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि हम लोग ऐसा करते हैं तो इसके लिए हम लोगों ने पहले सांपों के बारे में अध्ययन किया है, उसके बाद हमारे पास सांपों के बारे में प्रशिक्षण है कि कैसे इनका रेस्क्यू करते हैं तथा कई सालों का अनुभव भी है, तब कहीं जाकर के हम लोग सांपों का इतनी सरलतापूर्वक रेस्क्यू कर पाते हैं। आप लोग इसे देख करके दोहराने का प्रयास बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि अगर बिना जानकारी के बिना प्रशिक्षण के आप लोग ऐसा करने का प्रयास करेंगे तो बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। अभी हम लोग इसको बैग में पैक करने का ट्राई करते हैं, देखते हैं तुरंत से चलाता है फिर थोड़ा वक्त लेता है। हमने अभी तक इसके साथ कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं किया तो हम लोग आगे भी नहीं करेंगे, इसको इसके हिसाब से ही बैग में जाने देंगे। देखते हैं तुरंत से चलाता है फिर थोड़ा वक्त लेता है, अगर वक्त लेगा तो हम लोग इसको पूरा पूरा वक्त देंगे। अरे क्या बात, गरम। और आप लोग देख सकते हैं बिना किसी परेशानी के बिना किसी जोर जबरदस्ती के सांप खुद ब खुद बैग के अंदर चला गया। इसके लिए थोड़ा सा वक्त जरूर लगा लेकिन सांप जो है वो बैग में पैक हो चुका है, अभी हम लोग ले जाकर के इसके अनुकूलित वातावरण में रिलीज कर देंगे। एक और बात मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि सांप के अंदर न्यूरोटॉक्सिन्स वेनम पाया जाता है, जो किसी भी इंसान या फिर जो को बाइट कर लेता तो उसका नर्व सिस्टम यानी कि नाड़ी तंत्र काम करना बंद कर देता है और ऐसे में यदि सही वक्त पर उचित ट्रीटमेंट ना मिले तो उस व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। अतः आप लोग को जब भी किसी को भी स्नेक बाइट हो तो आप लोग तुरंत सर्पदंश के अस्पताल में जाएं और उचित ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपने या फिर किसी अपने की जान गंवा देंगे। आज के लिए बस इतना ही, अभी फिलहाल हम लोग चलते हैं, सांप को सुरक्षित ढंग से इसके अनुकूलित वातावरण में रिलीज किया जाएगा। और यहाँ पर हम लोग सांप को रिलीज करने के लिए आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं ये जगह इसके लिए पूरी तरह से अनुकूलित है, यहाँ पर अच्छे ढंग से रह लेगा और अच्छे ढंग से सर्वाइव कर लेगा। आप लोग देख सकते हैं जो सांप है वो अपने अनुकूलित वातावरण में चला गया। आज की वीडियो और जानकारी आपको कैसे ली कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।